हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अपने अपने घर में सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। सो गाइस, मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी जाए, तो मैंने आज से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है करनी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज आप लोगों को रामपुर बुशहर ही एक्सप्लोर करा दिया जाए। तो गाइस, मैं जा रही हूँ रामपुर बुशहर, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कुछ कुछ प्लेसेस जो वहाँ पे देखने लायक है। वैसे तो रामपुर में उतना कुछ खास है नहीं देखने लायक, बट फिर भी आपको मैं कुछ कुछ जगहें एक्सप्लोर करवाऊंगी जहाँ पे आप सभी लोग आ सकते हैं घूमने के लिए। A few moments later. गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड भी आने वाली है, तो ये रही मेरी फ्रेंड खूबसूरत मलिका, मिली इनसे, इनका नाम है अंशिका। तो चलो गाइस, अब आपको करवाते हैं रामपुर एक्सप्लोर, तो लेट्स गो। सो गाइज, जैसे कि आपने ऊपर वाली गली देखी, तो यहाँ पे जो ये वाली स्ट्रीट है, यहाँ पे ये आंटीज आई होती है गांव से, जिनके पास फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हो, साग है जो कि बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है, लीफी साग। सो चलो अब आगे चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने दिखाई जहाँ पे हरी हरी सब्जियाँ मिलती है, तो अब जैसे ही वो गली ख़त्म होती है तो उसके बाद हम लोग एक टेंपल के पास पहुँचते हैं जो कि है संकट मोचन महावीर टेंपल। तो चलो वहाँ पे आपको ले चले और वहाँ के आपको दर्शन करवाएं। A few moments later. गाइस, जैसे ही सब्जी वाली गली खत्म होती है तो उसके बाद हम पहुंचते हैं एक टेम्पल के पास, जो कि ये है, आप लोग देख सकते हो, जिस मंदिर का नाम है संकट मोचन महावीर मंदिर, जो एक हनुमान जी का मंदिर है। तो आओ दर्शन करते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दी रामपुर में, तो अब हम चलते हैं कुछ खाने के लिए जहाँ पे मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मोमोज। अब हम वहाँ पे जा रहे हैं जो कि है फोर वेज कैफ़े है उस कैफ़े का नाम, तो हम आपको वहाँ पे ले चलते हैं। तो गाइस, अब हम आपको वहीं मिलेंगे। उस कैफ़े के बारे में बताया था, तो ये है वो कैफ़े फोर वेज। यहाँ के मोमोज बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी मोमोज मिलते हैं। अगर आप लोग रामपुर में शहर हो तो यहाँ इस कैफ़े में ज़रूर आना। तो अभी हम लोगों ने भी मोमोज ऑर्डर करे हुए स्टीम मोमोज, जो कि बहुत टेस्टी होने वाले, और उसके बाद हम लोग आपको खा के बताएंगे वो मोमोज कैसे होंगे, टेस्टी है कि नहीं। यस गाइस, की टेस्टी है या फिर कैसे, क्योंकि हम लोग बहुत पहले आते थे यहाँ पे, जब हम लोग स्कूल में होते थे तो उस टाइम हम लोग मतलब रोज़ ही यहाँ पे आया करते थे, बट अब हम लोग यहाँ पे होते नहीं हैं, तो फिर काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बट आज देखते हैं उन मोमोज़ का टेस्ट वैसा ही या फिर चेंज हो गया। सो अब वेट करते हैं हमारे मोमोज़ का, उसके बाद मिलते हैं आप। तो आप देख सकते हो गाइस, मेरे मोमोज़ आ चुके हैं, तो अब मैं आपको बताऊँगी मोमोज़ टेस्ट करके। तो चलो इसमें डालते हैं सॉस। सॉस डाल दी है अब हमने, और उसके बाद हम देख रहे हैं चटनी, और चटनी भी हमने जैसे कि डाल ही दी है, चटनी डाल दी गई है। और अब हम आपको टेस्ट करके बस बताने ही वाले हैं मोमोज़ कैसे हैं कैसे नहीं है, उनका टेस्ट वैसा ही है या नहीं है। तो बस अभी मैं स्टार्ट करने, अभी मैं खाने जा ही रही हूँ मोमोज़। तो गाइस, बस मोमोज़ अब मेरे मुँह में जाने ही वाले हैं, तो अब मैं बता रही हूँ। वाओ, बहुत टेस्टी मोमोज़ थे, डिलीशियस या मिलीशियस, आपको लग ही रहा होगा मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस देख के कि कैसे मोमोज़ हैं।
जा रहे हैं, तो अब हम लोग आ चुके हैं खा के, तो अब हम आपको और एक्सप्लोर करवाते हैं कुछ रामपुर में। वैसे तो कोविड की वजह से जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखानी थी वो बंद हो गई है। जैसे कि एक दिखाना था मैंने आप लोगों को पदम पैलेस, जो कि कोविड की वजह से बंद किया हुआ है और वहाँ पे अंदर वॉचमैन जाने नहीं दे रहा है। मैंने उसको कहा अभी कि मुझे जाने दो, मुझे एक ब्लॉग शूट करना है, बट उसने मना कर दिया और हम वहाँ पर जा नहीं पाए। और मैंने आपको दिखाना था एक बौद्ध मंदिर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन फिर भी मैंने उसके क्लिप ले लिया है, तो वो मैं डाल दूँगी, तो आप लोग चेकआउट कर देना। चलो गाइस अब आपको और कुछ दिखाया जाए रामपुर में। सो गाइस अब आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे जो फेमस स्वीट शॉप है, ये रही वो, देखो गाइस, रोशन हलवाई शर्मा स्वीट शॉप। यहाँ पे बहुत टेस्टी गुलाब जामुन मिलते हैं, अगर आप गरम गरम खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे वो। तो चलो अब चलें कुछ और दिखाएँ आपको। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी वो स्वीट शॉप, जो कि फेमस स्वीट शॉप थी, अब उसके कुछ दूरी पर ही है सत्यनारायण मंदिर, तो मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ। सो लेट्स गो, चलो आप लोग मेरे साथ। गाइस कितना प्यारा टेंपल है ये सत्यनारायण जी का। चलो हम दर्शन करने चलते हैं। तो अब हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे है शिवलिंग, अब हम यहाँ पे भी दर्शन करके आएंगे। अंदर चल गई योगा क्लास, देखो बच्चे कर रहे हैं योगा फिटनेस के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है इस फिटनेस बहुत जरूरी है।
देखो ये है सतलुज जो आपको दिख रही है। आजकल इसमें पानी बहुत कम हो गया, लेकिन वैसे इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है इसमें पानी का। बट फिर भी देखो कितनी प्यारी लग रही है। आजकल इसका जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा क्लीन क्लीन सा लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ पे माउंटेन्स है चारों तरफ और नीचे रिवर है सतलुज रिवर, बस ऐसा ही है कुछ। और यहाँ पे है टेम्पल सत्यनारायण जी का, जहाँ पे हम आपको दर्शन करवा के आ गए हैं। तो गाइस अब आप देख ही सकते हो, जब आपको मैंने वहाँ का व्यू दिखाया तो उस टाइम इतनी रात नहीं हुई थी, तो हम लोग वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर लिए काफ़ी, और रील्स वगैरह भी बना दी। तो अगर आपको फ़ोटोज़ और रील्स देखनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डाल दूँगी वीडियो में ही। तो देखो गाइस अब कुछ नाइट का व्यू ऐसा, ये रहा नाइट व्यू ऑफ रामपुर बुशहर। रात में कुछ ऐसी लगती है रामपुर की गलियाँ। देखो गाइस हर जगह लाइट्स जल चुकी हैं। तो गाइस अब जा रही हूँ मैं बुक सेलर के पास, मुझे एक फ़ाइल लेनी है और भी थोड़ा सामान लेना है मुझे बुक सेलर के पास से। तो अब मैं चलती हूँ बुक सेलर के पास और उसके बाद मैं व्लॉग भी एंड कर ही दूँगी, क्योंकि व्लॉग कहीं लंबा ना हो जाए और वैसे भी अब रात हो चुकी है तो अब घर भी जाना ही है। तो यहाँ से मेरा घर है दूर 3 किलोमीटर्स, तो जाऊंगी मैं रिक्शा से। तो अब मिलती हूँ आपसे गाइस रिक्शा में, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। A few moments later. Guys, I'm back home. अगर आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और जाओ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, और इसी तरीके की आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी आती मिलेगी। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। और अगर कोई भी मेरे से गलती हो गई हो या फिर कुछ भी आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम लगी हो मेरे व्लॉग में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मैं कोशिश करूँगी आगे वाला व्लॉग और ज़्यादा अच्छा बने। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।